पहले मुट्ठी भर पैसा लेके जाते रहे और थैला भर माल लाते रहे, अब थैला भर पैसा लेके जा रहे और मुट्ठी भर माल ला रहे हैं। तो काफी सारे कलर रखे हुए हैं आपने। हाँ जी। और लोग जैसे पिछले साल तो कोविड था जी जी, ये साल जो तो कैसा व्यापार है? सही है सर। सही है, धंधा मंदा नहीं है मतलब? नहीं, नहीं। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि धंधा मंदा है। नहीं नहीं, सही है व्यापार, भीड़ भाड़ भी सही है। क्या लगता है कि इस बार आपके घर की भी दीपावली अच्छे से मन जाएगी? बनेगी बनेगी, हर बार मनती है। चलिए बधाई हो, हैप्पी दीपावली। हैप्पी दीपावली। तो आप लोग खरीद के ये ले आती हैं, बनाती हैं? नहीं, खरीद के लाते हैं। कहाँ से लाती हैं खरीद के? ये पनांगर से। अच्छा, ये पनांगर से, बांदरिया से। तो आप लोग को तो खरीदने में भी काफी महंगा पड़ता होगा? घर चलाना है तो महंगो सस्ते लेना पड़ रहा है। तो खुद क्यों नहीं बनाते हैं आप लोग? अब हम लोग बनाएंगे और तो लोग बनाते हैं। अच्छा, इसकी वजह से खरीद के। और धंधा कैसा चल रहा है इस साल का? ऐसे डाउन है, ज्यादा नहीं चल रहा है। कीमत जितनी लेके आती है तो उतना मिल जाती है या फिर नुकसान उठाना पड़ता है कई बार? सुबह से डाले हैं मेहनत, देखो मेहनत करेंगे तो थोड़ी बहुत तो बचेगा ही, क्यों नहीं बचेगा? आदमी बचेगा नहीं तो करेगा क्यों? हाँ। जैसे जो है तो झालर वगैरह आ गई हैं, इलेक्ट्रॉनिक चीजें ज्यादा आ गई हैं, तो ये दिए वगैरह काफी कम हो गए हैं बिकना, तो इसका कितना असर पड़ रहा है जो धंधे के? अब हम ज्यादा नहीं करते, हमारी अम्मा लोग हैं, हम अम्मा का साथ में करते हैं, हम अलग से खुद से नहीं करते, तो इसका अंदाजा हमको नहीं। अच्छा, पहले ज्यादा रहता रहा होगा, अब कम हो गया? नहीं, हम नहीं करते हैं। अच्छा। अम्मा के साथ में, साथ में करवा लेते हैं। चलिए धन्यवाद। दीपावली हो और मिठाइयों की चर्चा न हो तो ये बात अधूरी सी रह जाती है। जबलपुर के इस गोरखपुर मार्केट में एक मिठाई की दुकान पर हैं, आइए बातचीत करके जानते हैं कि इस साल का धंधा कैसा चल रहा है। सबसे पहले तो नाम बता दीजिए आप। अपना नाम जगदीश पटेल जी। तो ये बताइए कि इस साल का धंधा कैसा है? अभी धंधा तो बहुत डाउन चल रहा है इस समय, तो बहुत ही ज्यादा, जब से कोरोना लगला है जब से देख रहे खड़े हैं उतना धंधा पानी, बिल्कुल अभी इस समय बहुत महंगाई तो बहुत जोर से तोड़ के रखी इस समय, तो जनता को बीच में बहुत तो ज्यादा महंगाई इस समय, महंगाई की वजह से भी तो नहीं ग्राहक हमारे, महंगाई की वजह तो ज्यादा है इस, क्योंकि आप लोग के लिए भी जो जिस सामान से बनाते हैं तेल वगैरह वो भी काफी महंगा हो गया है, तो निश्चित तौर पर मिठाइयों का रेट भी महंगा हो गया होगा। अच्छा, ज्यादा कमाने का तो सवाल ही, कमा तो रहा ही नहीं है बिल्कुल, बिके नहीं रहा तो कमाएंगे कहाँ से भाई, बिके तो कमाए, बिके ही नहीं रहा है माल, देख रहे खड़े हैं सामने फ्री बिल्कुल, तो कमाई हो ही नहीं रही है। तो पिछले साल के अलावा कैसा था? पिछले साल में ऐसी रहा, पिछले साल तो था भी नहीं रहा, इस साल भी नहीं है भाई, उसके पहले अच्छा चलता रहता रहा दाल रोटी, इस समय तो दाल रोटी के लिए बहुत ही तरस रहा है इस समय तो ज्यादा जो हो गया। इस साल जो है हम खाली दुकान देख पा रहे हैं आपकी, दो साल पहले कैसे यहाँ पे भीड़ रहती थी? दो साल पहले तो मालिक की कृपा से बहुत अच्छा रहता रहा, लेकिन अब दो साल से तो ऐसा है कि दाल रोटी की पड़ी है अपने को, तो अभी दुकान संभालना मुश्किल पड़ता रहा। अरे पहले की तो बात ही कुछ नहीं, अभी तब ऐसा है ग्राहक को देखते रहो कि क्या आ रहा है या नहीं आ रहा, क्या है क्या नहीं, और आप भी देख रहे हैं अभी फ्री खड़े हैं बिल्कुल, कोई ग्राहकी है ही नहीं है, काफी निराशा पे निराशा करे बैठे हैं, और क्या है, क्योंकि महंगाई का दौर ऐसा चल रहा है कि जनता के पास ही पैसा नहीं है, तो जनता ले तो क्या ले, चालू महीना होने के बावजूद भी देख रहे खड़ा है, कोई बिजनेस में कोई वो नहीं है ऐसे, और जो कच्चा माल है उसका भी रेट बढ़ चुका है, हर चीज का माल का रेट बढ़ रहा है, पेट्रोल देख दिन पे दिन रोज बढ़ रहा है, कहीं 30 पैसा कहीं 40 पैसा, तो कुछ उसकी वजह से ही माल महंगा हो जाता है। ये कौन कौन सी मिठाई आपके यहाँ मिल जाती है? मिठाई तो सभी खोवे की रहती है ज्यादा का, खोवे की। जबलपुर की सबसे अच्छी मतलब फेमस मिठाई कौन सी है? जबलपुर में ऐसे कोई खास ज्यादा कोई मिठाई ऐसे नहीं, सब खोवे का ज्यादा चलता है, छेने का भी चलता है, क्योंकि दूध यहाँ पर्याप्त मात्रा में होता है, तो दूध भी लेकिन पर्याप्त मात्रा में होता है, लेकिन दूध भी ढंग का मिलता नहीं है। तो क्या कह रहे थे कि पैसे को लेकर के, अभी आप पहले मुट्ठी भर पैसा लेके जाते रहे और थैला भर माल लाते रहे, अब थैला भर पैसा लेके जा रहे और मुट्ठी भर माल ला रहे हैं। अरे एक ग्राहकों की हालत, ये ग्राहक की हालत है कि थैला भर के पैसा लाते और मुट्ठी में सामान ले जा रहे हैं। महंगाई इतना बढ़ने का कारण क्या है? अब क्या करोगे सर, सरकार है, सरकार जो चाहे करे, अपन तो सरकार के साथ ही चलना है भाई, सरकार अब क्या कर रहे क्या नहीं भाई, उसको बोलती है हम लागू कर रहे हैं, अपन लोग तो सरकार के पीछे पीछे चलते रहेंगे भाई, जैसा वो करेंगे करेंगे आगे, वो तो महंगाई सब देख रहे हैं, 70 साल की हो रहे हैं, महंगाई घटी तो है ही नहीं है, बढ़ती जा रही है और भी बढ़ती जाएगी ये, अब मालिक की कृपा है, क्या होता है क्या नहीं होता है ये तो सबको ही होती है कि अच्छा, तो सबको ही बैठे हैं खड़े की कुछ ना कुछ तो मिलेगा, अब आगे क्या होता है क्या नहीं होता है, हर साल दुकान लगाते हैं? है? नहीं लगाते, तब दो साल से तभी बंद ही नहीं, समझ लो कोविड की वजह से बंद ही थे, बंद रहे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।